डेली HD न्यूज। इंदौर नगर पालिका निगम श्री बालकृष्ण सहकारी साख संस्था द्वारा नगर निगम प्रांगण में संस्था सदस्यों को चेक वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल किशोर कोड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रताप करोसिया ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में संघ प्रदेशाध्यक्ष जुगल किशोर कोड़े, भारतीय जनता पार्टी के इंदौर नगर मंत्री निकी करोसिया, एडवोकेट कृष्ण चंद गौहर, पूर्व कांग्रेस पार्षद पटेल मदन बोस पचरोड एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष महेश तोमर उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ स्वर्गीय बालकृष्ण करोसिया के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इस दौरान अपने संबोधन में श्री कोड़े ने कहा कि हमारे दो महापुरुष हैं, दोनों के हाथ में कमल है। एक महापुरुष महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनके हाथ में कमल है, जिन्होंने रामायण लिख डाली जिसे पूरी दुनिया पढ़ती है। दूसरे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनके हाथ में कमल है और उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना की जिससे पूरे भारत देश का विधान चलता है। दोनों ही महापुरुषों ने समाज को शिक्षा का संदेश दिया है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री प्रताप करोसिया ने कहा कि प्रतिभा का सम्मान करना व्यक्ति को समाज को उन्नति देना है, निश्चित रूप से इससे इनकी हौसला अफजाई होती है। इस अवसर पर नवनियुक्त भाजपा नगर मंत्री निकी करोसिया को वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा चांदी के मेडल मोमेंटो मालवी पगड़ी पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही वाल्मीकि समाज की बेटी हिमलता सनी ब्लेयरवान को PhD करने पर सम्मान पत्र मोमेंटो पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथि स्वागत संस्था अध्यक्ष प्रेमजीत करोसिया, गोपाल पचरोड, मास्टर मुकेश करोसिया, महेश करोसिया, सुभाष चौहान, महेश हाड़े, मनीष वर्मा, शंकर धारते मुखिया, प्रकाश बोस, विजय करोसिया, प्रहलाद मेवाती, रंजित करोसिया, जयमाला, मुकेश खत्री, सुमन किंडारे, सपना खरे ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन चौधरी राजेश करोसिया राजा भैया ने किया एवं आभार बाबू राव हलाडे ने माना। मैं चाहता हूँ स्मृति चिन्ह भी लगे नगर पालिका निगम श्री बालकृष्ण सहकारी संस्था की ओर से श्री राजा भैया आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पमाला से अभिनंदन किया जा रहा है। परमाला मनी राजेश करोसिया राजा भैया जी की ओर से इंदौर कोड़े साहब का हार्दिक अभिनंदन फूल चिन्ही के साथ में और उसी के अंतर्गत बालकृष्ण सहकारी साख संस्था की ओर से राजा भैया अभिनंदन कर रहे हैं। शानदार मालवी ने प्रताप करोसिया जी का फ्लाइट पकड़ी इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए हम पूरा उनके आधार कुछ क्षण हमारे साथ मालवी समाज अधिकारी कर्मचारी संघ उनका भी हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। जो सहकारी साख संस्था हमारे चौधरी राजेश करोसिया जी राजा भैया, राजा भैया ने कहा था शिवपुरी तक आवाज जाना चाहिए तालियों की आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं पुनः आग्रह करूंगा राजा भैया से, हमारे मनीष वर्मा जनता पार्टी को, महेश जी आप भी यहाँ पर, निकी भैया का बेबस बहुत ही शान अभिनंदन करें, अभिनंदन किया जा रहा है। जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी राजा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञ राष्ट्रीय जो राष्ट्र में जाना जाता है उनके अनुज हैं भाई निकी करोसिया, हार्दिक स्वागत। उनके चांदी का मेडल भी दिया जा रहा है बालकृष्ण सहकारी साख संस्था की ओर से। निक्की करोसिया से निक्की भाई का एक चांदी के मेडल से सम्मान किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली हो जाए, आप सभी जनों से अनुरोध है। आप उसमें सदस्य भी नहीं थे लेकिन एंटी सदस्य थे, लेकिन आप कंधे से कंधा मिला के इस संस्था को आगे वो प्रयास इस मंच तक हमें लेकर आए हैं। तो मैं आदरणीय मदन बोस पठौड़ जी के आभार भी व्यक्त प्रदान किया और बसते रहना चाहिए। चौधरी टोनी कट साहब जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हमारे मंच पे आ जाए, केंद्र मुकेश खत्री जी से करें, चौधरी मनोज सिरसिया जी से निवेदन है स्वागत करें, भाई मुखिया प्रकाश बोज हमारे सांसद प्रखर बीच में वो भी स्वागत करें हमारे साहब का।
या आपका स्वागत हो जाए। मुकेश खत्री जी चौधरी साहब से कि वो भी स्वागत करें, ऐसा निवेदन है वो भी स्वागत करें। औरत बार एसोसिएशन पधारे आदन काल भैरवे जी, अश्विन चिंतामन जी हमारे बीच, हमारे क्रिश्चियन ने ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें जो साख समिति की बहुत बड़ी भूमिका है, आज साख समिति के द्वारा दो लोगों को 5 लाख रुपए वितरित किए गए हैं आर्थिक रूप से। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ अपने कर्मचारी और समाज के हित में लगातार काम कर रहा है। हमारा अपनी समाज को शिक्षित करना, संगठित करना और उसको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने पूरे देश में ये अभियान छेड़ रखा है और उसमें आदरणीय जो भूमिका हमारे साथी निभा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जैसे ठेकेदारी प्रथा को बंद करना है, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण है, पढ़े लिखे बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाना है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को उद्योग के लिए ज़मीनें मिलें, लोन मिले और वो अपने इंडस्ट्रियाँ स्थापित कर सकें, समाज के बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें और पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल करके अच्छी नौकरियां पाकर समाज को गौरवान्वित करें, संगठित करें, सम्मान दिलाएं। इन्हीं तरीके के कामों में हम लगे हैं और सभी जगह हमको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरियों का क्षेत्र हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का क्षेत्र हो, हर जगह हमें अपने भागीदारी करना है। और अभी जो हमारा समाज दबा कुचला है उसको उस दलदल से बाहर निकालने के लिए इस समाज के सभी बुद्धिजीवी अपना योगदान दे रहे हैं। अभी आपने कहा था कि समाज जो है वाल्मीकि समाज के लोग सफाई कार्य छोड़ के दूसरे कार्यों में आगे आए हैं, बिल्कुल किया है, सफाई ठेकेदारी प्रथा का विरोध भी किया है, बिल्कुल किया, इससे कैसे परिवर्तन आएगा, इससे किस तरह से समाज को विकास? देखिए क्या है, सफाई के काम से हमको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता इस कौम को, क्योंकि हजारों साल से हमारे लोग इस पेशे में हैं और शायद उसका एक ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन जो लोग पढ़ लिख कर दूसरी नौकरियों में गए हैं उनके घर जाकर देखिए, पक्के मकान हैं, गाड़ियां हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सफाई के पेशे में हमारी जो माता बहनें लगी हैं, भाई लगे हैं, वो सवेरे 5 बजे से सफाई करने निकल जाते हैं, उनके काम करने के वजह से उनके देखरेख नहीं हो पाती, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती और वो किस हाल में रहते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनका बाल जो है हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं माँ बाप की सफाई पेशे से। तो इसलिए ऐसे घृणित पेशे को हमको तत्काल बंद करना है। जब तक इनकी नौकरियां जिस दिन रिटायर्ड हो जाएं उस दिन इस धंधे को छोड़ दें और अपने बच्चों को इस धंधे में बिल्कुल कदापि ना आने दें। निश्चित प्रथा का विरोध क्यों किया जा रहा है? सफाई ठेके प्रथा का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सरकार बेईमान हो गई है और वो बेईमानी का एक नमूना है कि दलाली खाने के लिए ठेकेदारों को सफाई का काम देती है और वो हमारा पैसा चुरा कर उन अधिकारियों का पेट भरने में लगा है और खुद का पेट भरने में लगा है। ये उद्देश्य था पूरे कार्यक्रम में महिलाओं के लिए प्रेरणादायी एक युवती वाल्मीकि समाज की गृहिणी हेमलता बिलरवान, जिन्होंने पीएचडी में डॉक्टरेट किया और डॉक्टरेट करने के बाद आज गृहिणी का कार्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रेरणा दी है महिलाओं को कि वे भी आगे आए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरा आज हमारा सौभाग्य था कि हमारे बीच में वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री कमल किशोर कोड़े साहब और प्रदेश के अध्यक्ष जुगल किशोर कोड़े जी उपस्थित हुए हमारे बीच में, सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके स्वागत सत्कार और सम्मान का, क्योंकि माँ अहिल्या की पावन नगरी में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार का दायित्व तो बनता है और हमारे बीच में शिवपुरी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे थे, उनका स्वागत सम्मान करने के साथ हमारे नगर के मंत्री जो कि नवनियुक्त में हाल ही में गौरव रंजू की टीम में शामिल हुए युवा नेतृत्व निक्की करोसिया,
उनका भी स्वागत सम्मान सहकारी संस्था और वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से किया गया। वहीं पवन नरवाले जी के 11 वर्ष के बच्चे जो कि पिस्टल खेल में फायर खेल में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं, अभी उन्होंने MP लेवल की भी कोई स्पर्धा खेली है। तो ऐसे नन्हे बच्चों को प्रतिभाओं के माध्यम से आगे लाने का कार्य सहकारी संस्था विगत 25 वर्षों से करती आ रही है और उसी कड़ी में आज हमारे कोड़े साहब जो हमारे बीच में आए, जिन्होंने कि आपको बताया कर्मचारी हितों में भी उन्होंने अपनी बात रखी, समाज हितों में बात रखी और उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा की ओर कैसे ले जाना चाहिए। ये सब विचार गोष्ठी के माध्यम से उनके अतिथि सत्कार सम्मान के माध्यम से हम तक पहुँची। मैं उनको इंदौर की इस नगरी में उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत।